मैं पहले आ चुकी हूँ, फ्रेंड कांग्रेस में बैठ चुकी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ, दो साल से मैं भाग दौड़ कर रही हूँ अपने गाँव के लिए। मेरी सरकार को दो साल से वायर किया है जो अभी तक लाभ हटा रहे। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ, अपील कर रही हूँ, किस बात का खुला रहेगी मेरे लिए, किस बात के लिए, मतलब अभी खुला किया, अभी खुला नहीं किया है तो उसको सामने किया, अल्लाह के जितना खड़ा किया जाए ना, दालन को भी दिया जाए ना, खुद ही फैसले कर रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं, खुद ही उनको उठाकर लेके जा रहे हैं, मासूम बच्चों को यतीम किया जा रहा है, माओ की बिलकती की आवाजें नहीं सुन रहे। क्या वो कोई बेटे नहीं है किसी के? क्या वो फिर किसी के शौहर नहीं है या किसी के बाप नहीं है? इस तरीके से उठा के गायब किया जा रहा है, कहाँ का इंसाफ है? कहाँ जाए हम लोग इंसाफ मांगने? ये हमारा पाकिस्तान है, हम अपने पाकिस्तान से ही इंसाफ मांगेंगे ना, हम कहाँ जाके इंसाफ मांगे? किसके दरवाजे पर खटखटाएं? मेरे शौहर को 30 मार्च से गायब किया है, दो साल हो गए, मेरे तीन बच्चे हैं, रेंट का घर है, मैं किस तरीके से अपने बच्चों को लेके अकेली तनहा पड़ी हूँ, मेरा खुदा और मैं जानते हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ का कानून है ये? किस तरीके से गायब किया जाता है? किस तरीके से ये मतलब उर्दू स्पीकिंग होने पे हमारे लिए सजा है? हमारा ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया, ये सिर्फ हमारा गुनाह है? हमारे पाकिस्तान में मतलब हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर हमें दिखा दी है, मतलब ये सिर्फ हमारे ये खुदा है कि हम उर्दू स्पीकिंग है? क्या इंसान नहीं है सब? सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं ऑपरेशन किया जा रहा है? क्यों नहीं सब पे किया जा रहा? और भी तो तंजीमें हैं, और भी तो सब लोग हैं, सब पे क्यों नहीं ऑपरेशन? अब ये बम ब्लास्ट कहां से हो रहे हैं? ये लोग क्यों मर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? जो पढ़ने वाले हैं वो तो दीदा दिलेरी से घूम रहे हैं, और जो गुनाहगार नहीं थे उनको बंद कर करके मारा जा रहा है। कीड़े मकोड़े